नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 2019 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आपका ये 2019 वर्ष मंगलमय हो और आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 2019 जनवरी को भारतीय लोक सेवा दल द्वारा मथुरा के अंदर क्या होने जा रहा है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हम आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलते और बताते हैं कि 25 नवंबर 2018 को जंतर मंतर पर महेंद्रपाल दानगढ़ जी की अध्यक्षता में भारतीय लोक सेवा दल पार्टी का गठन किया और कसम खाई गई कि जब तक सभी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों का पैसा नहीं मिल जाता तब तक हम सरकार और वित्त मंत्रालय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम प्रत्येक गरीब और किसानों का पैसा दिलवा कर रहेंगे जब तक हमारे अंदर दम है। और यदि 2019 चुनाव से पहले सरकार ने पैसा वापसी नहीं किया तो 2019 में चुनाव में उनके सामने खड़े हो जाएंगे और कोई ना कोई अपना सांसद भेज करके PSL के निवेशकों का, साईं प्रसाद का, पिनकोन का, सहारा का और बहुत अन्य चिट फंड कंपनियां ऐसी हैं जिनका पैसा दिलाने का संकल्प क्या है। मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं कि भारतीय लोक सेवा दल ने अपने अपने पदाधिकारियों को नियुक्त कर दिया है और अब इन पदाधिकारियों के कार्य करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अभी तक पैसे का कुछ अता पता नहीं है। तो 13 जनवरी को और 6 जनवरी को क्या होगा इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, आइए चलते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मथुरा के अंदर बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन आने वाला है 13 जनवरी को। उसमें हम सभी राजनीतिक पार्टियों को ये दिखा करके रहेंगे कि भारतीय लोक सेवा दल हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टी है उनको मात देने के लिए खड़ा हुआ है। और हम ये भी आश्वस्त करते हैं कि जो भी हमारा लोकसभा का चुनाव लड़ेगा सांसद, हम उसको हर कीमत पर जिता करके रहेंगे। इसके लिए हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है और हम सब लोग एक साथ हैं। और दानगढ़ जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम उनके साथ हैं और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामदेव गौतम जी हैं हम उन सबके साथ हैं। हम सब ने कसम खा लिया आज और एक ऐतिहासिक दिन 13 जनवरी को होगा। उसमें बहुत भारी संख्या में सारी पार्टियों के सामने ये पार्टी सबसे जबरदस्त उभर करके आने वाली है और हम उसमें कसम खाएंगे। जय हिंद, जय भारत। भारतीय लोक सेवा दल जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय लोक सेवा दल जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मथुरा के अंदर रामदेव गौतम जी जो कि भारतीय लोक सेवा दल के उपाध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। उसमें सभी लोग सम्मिलित हुए और सभी ने ये कसम खाई कि हम भारतीय लोक सेवा दल का और महेंद्र सिंह जो दानगढ़ जी हैं जो हमारे भारतीय लोक सेवा दल के अध्यक्ष हैं उनका हम तन मन धन से साथ देंगे और हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रामदेव गौतम जी हम उनका तन मन धन से साथ देंगे। और हम सभी लोगों ने आज ये मथुरा में कसम खाई है कि यहाँ से जो अगला सांसद होगा वो हम जिता करके देंगे और हर हालत में जिता कर देंगे। हम सब लोग रामदेव जी के साथ हैं, महेंद्र सिंह दानगढ़ जी के साथ में और ये हमने आज कसम खाई है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस लोक सेवा दल का हम झंडा लहरा करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारतीय लोक सेवा दल जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय लोक सेवा दल जिंदाबाद जिंदाबाद। महेंद्रपाल सिंह दानगढ़ जी जिंदाबाद जिंदाबाद। महेंद्रपाल सिंह दानगढ़ जी जिंदाबाद जिंदाबाद। महेंद्रपाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महेंद्रपाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामदेव गौतम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गौतम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय लोक सेवा दल जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय लोक सेवा दल जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब से। आज आपसे साथियों फिर बात करना चाहता हूं कि जो हमने अपनी लीगल फाइट जो पूरे भारतवर्ष में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए हमने आमंत्रित किया था पूरे भारत से उन 10-10 साथियों को डिस्ट्रिक्ट वाइज के वो आएं और उनकी हमने अमृतसर में जो मीटिंग सेटल की है तो उसका एड्रेस भी आपको साथियों बताई दिया यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथियों ने। तो आप साथियों वहाँ पे आएं और वहाँ से हम जो ये लीगल फाइट है वो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज तक हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी साथियों जिनका कुछ पता नहीं चल रहा था।
जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रपोजल का जो केस है, जो प्रपोजल का उनको पास करवाने के लिए जो चल रहा है, उसमें भी कुछ स्पष्टीकरण हमें पता नहीं चल रहा है। हर बार हमें सुप्रीम कोर्ट से एक ही चीज मिल रही है, वो मिल रही है डेट। हर बार हमें नई डेट बता दी जाती है और कोई भी एडवोकेट हमारा, मैं नहीं समझता कि अभी तक जब से हमारा ये केस लगा था तो तब से कोई भी वकील हमारा सामने कभी मीडिया में कभी नहीं आया और उस एडवोकेट ने कभी हमें ये बताया ही नहीं कि उसने अंदर क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं, क्या बहस किया उसने, क्या फाइल किया उसने। और ये जो निर्मल सिंह भंगू के जो लुटेरे हैं, गुंडे हैं, जो ये लुटेरे, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इनके साथ हुआ करते थे, वो 20-25 लोग हैं इनके साथ जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि जितनी लोडा कमेटी ने अटैच कर की है उससे मैं समझता हूं कि डबल ट्रिपल प्रॉपर्टी उन लुटेरों के पास अभी भी पेंडिंग है। और वो छुपे हुए हैं अपने घरों में, आराम से बैठे हैं, वो देख रहे हैं सारा तमाशा। तो ये 4-5 लोगों के ऊपर जो एक्शन किया गया उससे हमारा मसला हल होने वाला नहीं है। बड़े बड़े नाम है, कमलजीत सिंह तूड़, प्रितपाल सिंह कंग, एमएल सहजपाल, ज्योति नारायण त्रिपाठी है, एक त्रिपाठी था, सचिदानंद त्रिपाठी, ये बहुत लोग हैं, सीबी ढिल्लो, ऐसे ऐसे अनेकों नाम है, बहुत नाम है। ये कोई 25-30 लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे देश का डाटा है। और एक 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 बात और चल रही है, एक एक हमारे YouTube वाले भाई साहब हैं, वो ये 11 सवालों का कोई जिक्र करते हैं कि अपने सीनियर से मांगो। और मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि ये 11 सवालों वाली जो बात है ये वो 20 लोग जानते हैं, वो 20 लोगों की लिस्ट हमने बना रखी है। बहुत जल्दी इस मीटिंग के बाद वो एक एक करके, वो 11 सवाल नहीं है, बहुत कुछ है उसके, सारा कुछ वो जानते हैं। जो सवाल आप पूछ रहे हो ना, ये सीनियर लोगों से या जो छोटे लोगों से, निवेशकों से, निवेशक नहीं मैं बोलूंगा, जो जिन्होंने काम किया PACL में, ये लोग नहीं जानते। मैं क्लियर बोलता हूं आपको, क्योंकि मैं भी पुराना आदमी हूं, मैं जानता हूं कि PACL में कितने एजुकेटेड लोग थे, जितने EM थे, लगभग 2-3 हजार EM था पूरे देश में, तो उसमें एक्टिव बंदे कितने हो गए, मात्र 800-900 EM होगा जो एक्टिव EM था, और उसमें से क्वालिफाइड कितने लोग होंगे। मतलब मैं आपको क्लियर ये बताना चाहता हूं, ये 25-30 लोगों की एक टीम थी निर्मल सिंह भंगू के पास, और वो 25-30 लोग जो हैं वो दलालों के माध्यम से ये पूरी प्रॉपर्टी परचेज करते थे, और उस प्रॉपर्टी से एक मोटा हिस्सा उन लोगों ने अपने पास भी रखा और मोटा पैसा उन्होंने कमाया इस प्रॉपर्टियों से। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो धीरे धीरे ये 6 तारीख की मीटिंग के बाद आपके सामने आएंगे, और इन सभी से वो एक एक पाई वसूली जाएगी, वो सभी प्रॉपर्टी इनसे बाहर निकाली जाएगी। आप 6 तारीख को साथियों अमृतसर में आए, आप सभी का स्वागत है वहां पे, हमने आपके वहां पे खाने की रहने की भी व्यवस्था कर दी है, आप निश्चिंत होकर आए वहां पे, वहां से हम एक एक सिस्टेमेटिकली ढंग से आपको ये बताएंगे कि आपका पैसा कहां पे अटका हुआ है और आपका पैसा किसके पास है, आपकी प्रॉपर्टी आज भी किसके पास है। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आज भी बाहर है, वो प्रॉपर्टी सभी उन 20-25 लोगों से बरामद करवाई जाएगी। और ये 11 सवाल जो ये जो जिक्र का हो रहा है लगातार, ये 11 सवाल उनसे पूछे जाएंगे, उनसे वो सारा कुछ वसूल किया जाएगा। 11 सवाल क्या करने, सारा कुछ उनके पास ही है, वो 25-30 लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं है। उन 30 लोगों के पास पूरे देश की जो प्रॉपर्टी है उसका हिसाब है, पूरे देश की प्रॉपर्टी उन्हीं लोगों ने परचेज की है, और उन्हीं लोगों ने जैसे मैंने बताया कि मोटा पैसा कमाया, और उनसे वो सारा कुछ वसूल किया जाएगा। तो साथियों आप अमृतसर में 6 जनवरी को आए, वहां पे हम एक आप सभी के सहयोग के साथ, सभी को साथ लेके हम एक सिस्टेमेटिकली ढंग से एक वहां पे कार्य करेंगे, जिससे पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे निवेशक हैं
वो भी एक लिस्ट हमारे पास होगी, तो सुप्रीम कोर्ट में भी हम वो प्रपोजल वो पास करवाएंगे जिससे विद इंटरेस्ट पूरे देश के निवेशकों को पैसा मिले, और जो हमारे एजेंट साथी से जो वर्कर साथी थे हमारे जिनका कैरियर खत्म हुआ है, जो आज रोड पे आ गए हैं और जिनको आज खाने के लाले पड़े हुए हैं, उन सभी को उनका मुआवजा भी दिलाया जाएगा। तो साथियों, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं, ये वादा करता हूं कि इस मीटिंग के बाद आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, आपका पैसा भी विद इंटरेस्ट वापस होगा और आपका मुआवजा भी आपको वापस दिलाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।